हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, इस ग्रीनरी से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि आजकल हम सबको ही फेस करना पड़ रहा है और बहुत से लोग मेरे से पूछ भी रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये मेलीबग है और इस टाइप के और भी बहुत सारे पेट्स हैं जो जो है हमारे पौधों में लग जाते हैं। स्पेशली अभी जो मानसून चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो देखिए इसमें कलियाँ भी आ रही हैं प्यारी प्यारी सी। बट ये देखिए, मैंने देखा तो ये इसको पत्ते को इस तरीके से ये खाने लगे हैं। और भी तरीके के कीड़े होते हैं, जो दिखा मैंने वो आपको दिखाया पास से। देखिए, ये वंडरिंग ज्यू में भी हल्का हल्का सा लग गया है। चींटियों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये चींटियों के सहारे भी आ जाते हैं और भी तरीके से आ जाते हैं। तो मतलब ये हमारे प्लांट्स में लग के और उनको उनमें जो है उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम करते हैं, उनके पत्तों को खा जाते हैं। तो इस चीज़ से हमको अपने प्लांट्स को बचाना चाहिए। ऐसे देखिए, अंदर में छुप के बैठ जाते हैं ये, और आपको अचानक से दिखते हैं कि पत्ते कटे हुए हो रहे हैं, ग्रोथ खराब हो रही है। तो इस तरीके से ऐसे क्रोटोन वगैरह में भी किसी में भी लग सकते हैं। तो बस हमको क्या करना होता है ना, कि हफ्ते 10 दिन में जरूर किसी भी अच्छे लिक्विड का, पेस्टिसाइड का हमको स्प्रे जरूर करना चाहिए। मैं तो करती रहती हूँ, तभी आपको इतना कम दिख रहा है। ये भी देखिए, हल्का सा से टर्टल वाइन पे भी लग गया, इस तरीके के हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए देखिए कितना फैल जाता है। ये मैं पिक दिखा रही हूँ आपको, हमारे प्लांट में नहीं है। तो हम इसके बचने के लिए हम इसकी क्या करती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये है नीम ऑयल, मैंने ऑनलाइन लिया है। मैं देखूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो हमने ये स्प्रे बॉटल ली है, इसमें सिंपल टैप वाटर हम लेंगे और इसमें ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में भी आप अच्छे से अपने प्लांट्स को इससे नहला देंगे, अच्छे से वॉश कर देंगे उसकी सारी लीव्स आगे पीछे से, तो नहीं लगेंगी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें 1 टेबल स्पून नीम ऑयल डाल लिया है, 1.5 डालूंगी मैं वैसे, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें लिक्विड वॉश डाल रही हूँ। कोई भी लिक्विड वॉश आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, और मेरे पास ये था तो मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ, ये भी अच्छा है। तो इससे अच्छे से हम नीम ऑयल साथ में ना पानी के डिसॉल्व हो जाता है, और अच्छे से हमारे प्लांट के में जो भी कीड़े मकौड़े लगे होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे से प्लांट्स होते हैं, हम उनकी इतनी केयर करते हैं, और लेकिन अगर कीड़े लग जाते हैं सच में, अगर चींटियाँ कीड़े वगैरह दिखते हैं ना प्लांट में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो साफ़ सफाई रखिए, और ये भी एक साफ़ सफाई का ही पार्ट है। तो इस तरीके से इसको मैं जो है मिक्स कर लूँगी अब इस पानी में, अच्छे से एकदम हमको इसको मिक्स कर लेना, उसके बाद अपने प्लांट्स में हमें स्प्रे कर देना है। और ये तुरंत बनाइए, तुरंत ही स्प्रे करिए, इसको बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत ही मिक्स करिए, सारे अपने प्लांट्स में लगा दीजिए। अभी मैं नीचे आपको प्लांट्स दिखा रही थी, मैं अंदर आ गई हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं अभी आपको मेरे अंदर जो बालकनी में प्लांट्स हैं उसी पे मैं ये स्प्रे करके दिखाऊंगी। और कोई भी मतलब बरसात में हमारे खास करके धूप में खुले में प्लांट्स लगे होते हैं, उनमें तो बहुत जल्दी लग जाते हैं ये सब चीज़ें। तो आप मतलब ये सब करते रहेंगे, देखिए इस तरीके से अपने प्लांट को ऐसे पत्तियां पीछे से, क्योंकि क्या होता है ना, ये कीड़े मकोड़े बहुत दुष्ट होते हैं, पीछे छुप के बैठ जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। और इस तरीके से आप अपने सारे प्लांट्स में अच्छे से स्प्रे कर देंगे। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो ये लगते भी नहीं है, और लगेंगे भी तो बहुत कम लगते हैं, जिसको आप जल्दी ही जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। और वैसे आप जो हमारे डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, या थोड़े से जिनको नहीं पसंद होता है अपने पे स्प्रे, उसके लिए मैं दूसरा बताऊँगी कि इसी लिक्विड को आप किसी बॉल में लेके और उसमें एक सॉफ्ट कपड़ा हम डिप करके, और उससे हम उन प्लांट्स को, ये भी जो हमारा ये एग्लोनीमा वगैरह है, इनको भी आप उसी से ही दोनों तरफ से पत्तियां आगे पीछे से अच्छे से मतलब केयरफुली साफ़ कर देंगे। हमारे स्नेक प्लांट हैं उनको भी, या हमारे जो कुछ और प्लांट्स हैं जिनको हम नहीं स्प्रे कर सकते, और तो उसको इस तरीके से, वैसे भी मैं, मेरे एग्लोनीमा है या स्नेक प्लांट है, उनको मैं हफ्ते 15 दिन में जब भी जैसे भी टाइम मिला उनको सिंपल वाटर से भी आप क्लीन करते रहेंगे ना, तभी भी ये सब चीज़ें आपके प्लांट्स पर अटैक नहीं करेंगी। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट मैंने छोटा टॉवल वाला हैंकी लिया है, और इससे हम इस तरीके से देखिए प्यार से नीचे, पीछे भी हम इसको हाथ से सपोर्ट देंगे और आगे ऐसे इसको साफ कर लेंगे। एक तरीका ये है,
और बस यही आपको करना है। और भी सारे कीटनाशक कुछ भी आते हैं, लेकिन आप केमिकल यूज़ ना करें तो अच्छा है, मतलब फिलहाल हम तो नहीं करते हैं। और अगर नीम ऑयल, ये वाला नीम ऑयल या कोई भी नीम ऑयल नहीं है, तो आप नीम की पत्तियाँ आसपास, हमारे घर के आसपास कहीं भी पौधे, वो प्लांट्स होते हैं, वो ट्रीज होते हैं, तो उनसे मंगा लें, उनको बॉईल करके ठंडा कर लें, वो स्प्रे भी आप कर देंगे तो उससे भी ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये मैंने मंगाया कुछ दिन पहले, पहले वही मैं भी वैसे ही करती थी कि नीम को पानी में, ऑयल पानी में अच्छे से बॉईल करके और उसको ठंडा करके वो स्प्रे बॉटल में करके उसको डाल सकते हैं छान के। तो इस तरीके से बस हम अपने प्लांट्स को सुरक्षित रख सकते हैं और इनको सेफ रख सकते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े लगेंगे तो उनकी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा और जो है उनकी ब्यूटी पे भी असर पड़ेगा। तो आप अपने प्लांट्स के साथ ये भी करते रहें, ये भी एक उनके रूटीन में, जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, इस तरीके से अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखिए। इनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। देखिए ये छोटा वाला ड्रॉप वाला जो मेरा स्नेक प्लांट है, इसको भी मैं ऐसे करके क्लीन करती हूँ, सिंपल वाटर से करती हूँ। अभी मैं इसके ही लिक्विड से कर रही हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। इसके तरीके से ये फिंगर में हम अपने कपड़े को फंसा के और बहुत केयरफुली पीछे से हाथ की सपोर्ट, क्योंकि छोटा सा है ये, तो इस तरीके से साफ कर दें, एकदम ग्लॉसी बना रहता है ये मेरा, बिल्कुल ग्लॉसी रहता है, आपने और वीडियो में भी देखा होगा, और ये ऐसे साफ रहता है। तो बस यही सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से करिए। ये देखिए एग्लोनीमा मेरा नया नया भी आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।